अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन की, और इसमें हमने अभी तक देखा था कि जब हम जो AH ऑपरेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हमने ली हुई थी उसको टाइम के साथ जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि हमारे पास एक कम्यूटेटर ब्रैकेट बन जाती है, AH मतलब हेजनबर्ग का आपके पास ऑपरेटर और साथ में ये एनर्जी ऑपरेटर है, और हम ये कहते हैं कि ये जो H और U हैं ये आपस में कर रहे हैं कम्यूट, और जब ये कम्यूट करते हैं तो ये जीरो के बराबर आता है, तो एच यू को आप यू एच के बराबर कह देते हैं। आप इसको इस फॉर्म में ले जाते हैं, एच यू को यू एच लिख देते हैं, यू डैगर यू आपके पास दोबारा से आइडेंटिटी ऑपरेटर बन जाता है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर आपके पास वन के बराबर होता है। तो अब आपके पास ये जो कम्यूट रिलेशनशिप है वो बन जाता है कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू वन ओवर आयोटा कट इनटू ए एच इनटू एच, व्हिच इज द हेजनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ऑपरेटर ए, जिसमें हम ये बात करते हैं कि व्हेन ऑपरेटर इज चेंजिंग विद टाइम, तो आपके पास जो ये ऑपरेटर है ये कम्यूट करता है एनर्जी ऑपरेटर एच के साथ, तो ये आपके पास हेजनबर्ग का आ जाता है क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर। इसी तरीके से जो थर्ड हमारे पास पिक्चर है दैट इज़ द डिराक इंटरेक्शन पिक्चर। इस पिक्चर में हम ये कहते हैं कि जो स्टेट वेक्टर्स और ऑपरेटर्स दोनों ही इवॉल्व करते हैं टाइम के साथ, मतलब दोनों ही टाइम डिपेंडेंट हैं और टाइम के साथ साथ इनमें चेंज आ रही है। तो इस पास इसमें फिर हमें स्टेट वेक्टर के लिए एक अलग इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए होगी और ऑपरेटर्स के लिए एक अलग चाहिए होगी। तो पहले हम देखते हैं कि स्टेट वेक्टर के लिए इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगी। ये आप देखें बुक में ना, ये कुछ ऐसे वन करके लिखा होगा, दिस इज़ नॉट वन, दिस इज़ आई। आई का मतलब है इंटरेक्शन, जैसे हेजनबर्ग में एच था लिखा हुआ उसका मतलब था कि वो स्टेट वेक्टर्स हेजनबर्ग पिक्चर के हैं। इसमें आई लिखा होगा, आई का मतलब है कि ये डिराक इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इंटरेक्शन के ये स्टेट फंक्शन हैं। तो उसमें ये जो स्टेट फंक्शन आई है ये आपके पास बराबर है दिस टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर ई आयोटा टी एच नॉट ओवर एच कट और साथ में साई टी, ये श्रोडिंगर पिक्चर की फॉर्म में आपने इसको लिखा हुआ। अगर आप कहें कि जो टाइम है वो ज़ीरो है तो फिर क्या होगा, आप टी की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे, और यहाँ पर भी जब टी को ज़ीरो पुट कर देंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरो वन के बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू साई नॉट। यानी जब आप टाइम को नहीं लेते हैं, टाइम को ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं, या एट द स्टार्टिंग टाइम जब टाइम ज़ीरो है तो फिर आपके पास जो इंटरेक्शन ड्राक इंटरेक्शन का स्टेट फंक्शन है वो आपके पास वो और श्रोडिंजर का जो आपके पास स्टेट है दोनों बराबर हो जाती हैं। अब आप इसमें देखते हैं कि ये जो टाइम एवोल्यूशन है दिस इज गवर्न बाय द श्रोडिंजर इक्वेशन। तो आपके पास अब जो ऑपरेटर आएगा एच, क्योंकि इसमें एच भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ और स्टेट भी चेंज हो रही है, तो एच आपके पास दो तरह से इवॉल्व हो जाएगा, यानी एच नॉट उसमें टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है और वी जो है ये टाइम डिपेंडेंट पार्ट है। टाइम के साथ साथ जो हैमिल्टोनियन है या जो एनर्जी ऑपरेटर है वो चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अब जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी जिसके अकॉर्डिंगली आयोटा एच का डी बाई डी टी साई टी इज इक्वल टू एच साई था, इसको ले लेंगे, और इसमें हम इक्वेशन नंबर वन जो हमने ली है, यहाँ जो बात की है इक्वेशन नंबर वन की, ये वाली इंटरेक्शन पिक्चर वाली, इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम इसको डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास कुछ इस किस्म का आ जाता है, क्योंकि जो साई टी का डेरिवेटिव है इंटरेक्शन वाले का डी बाई डी टी की फॉर्म में आएगा। उसके बाद जब हम इस पूरे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो टी है एक्सपोनेंशियल वाला जो है इसके लिए वैल्यू आएगी आयोटा एच नॉट ओवर एच कट और एज इट इज़ फंक्शन। इसी तरीके से अगर आप साई के ऊपर अप्लाई करेंगे तो अब आपके पास ये एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आएगा और डी साई टी ओवर डी टी आ जाएगा। तो ये आपके पास एक डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आयोटा एच कट से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम दोनों साइड पर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेफ्ट साइड हमें देगी आयोटा एच कट डी साई टी इंटरेक्शन डिवाइडेड बाय डी टी, और साथ में माइनस ये यहाँ पर एच कट से डिवाइड हो जाएगा, जबकि जो आयोटा हमने किया है वो आयोटा स्क्वायर बनाकर, आयोटा स्क्वायर क्योंकि माइनस वन के बराबर है तो ये माइनस एच नॉट हो जाएगा। और फाइनली यहाँ आप देखें तो आपके पास आयोटा एच कट ई आयोटा टी एच नॉट ओवर एच कट और ये वाली टर्म बन जाएगी। अब आप क्या करें, इक्वेशन नंबर वन और टू को
इक्वेशन नंबर थ्री इसमें पुट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर वन आपके पास क्या थी, जो साई टी कैटसेट की हमने वैल्यू ली हुई थी वो, और टू हमारे पास क्या है आयोटा स्क्वायर डी बाई डी टी साई टी की वैल्यू एच साई टी के बराबर हम लिखना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी, यानी इस पूरे टर्म की जगह पर हमारे पास एच साई आ जाएगा, और जो ये वाली जो चीज़ है ई आयोटा टी एच नॉट ओवर एच स्क्वायर साई टी की बजाय पर हमारे पास साई टी इंटरेक्शन आ जाएगा, यानी हम फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू पुट करेंगे। जब इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो अब हमारे पास जो एच की वैल्यू थी वो एच नॉट प्लस बी थी, उसको हम इस इक्वेशन नंबर फोर में एच की जगह पर पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में जब हम उसको पुट करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, मतलब आयोटा स्क्वायर डी साई टी इंटरेक्शन बाई डी टी माइनस एच नॉट साई टी इंटरेक्शन, क्योंकि ये जो पूरी टर्म है ये साई टी इंटरेक्शन वाला स्टेट फंक्शन है, और उसके बाद हमारे पास एक ये टर्म बनेगी और साथ में एक वी वाली टर्म बनेगी। अब हम वी वाली टर्म को ले लेते हैं और उसको हम ये वाली टर्म मैंने ले ली इसमें से ई आयोटा टी एच नॉट ओवर एच स्क्वायर इंटू वी साई टी, इसको मैंने क्या किया इसमें से ये जो स्पेसिफिकली वी तक वाली टर्म है इसको मैंने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया। उससे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि मैं यू और यू डैगर से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा टी एच नॉट ओवर एच स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल आयोटा टी एच नॉट ओवर एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब ये मेरे पास जो टर्म है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाले साइन के दरमियान में भी है, ये इंटरेक्शन टर्म बन जाएगी और उस यहाँ पर ई आयोटा टी एच नॉट ओवर एच कट आ जाएगा। इस इक्वेशन को इस वैल्यू को मैं ई आयोटा टी एच नॉट ओवर एच कट वी की जगह पर पुट कर देती हूँ। जब मैं इसकी जगह इसको पुट करती हूँ तो मेरे पास अब जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी आयोटा एच कट डी साई टी इंटरेक्शन ओवर डी टी माइनस एच नॉट साई टी इंटरेक्शन प्लस एच नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा टी एच नॉट ओवर एच कट इंटू साई टी और प्लस दिस वी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन की फॉर्म में ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास टर्म है आयोटा टी एच नॉट एच कट और साई नॉट, ये वाली चीज़ भी इंटरेक्शन बन जाती है, तो मैं इसको साई टी इंटरेक्शन की फॉर्म में लिखती हूँ। ये मेरे पास माइनस है और पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रह जाएगी जो टर्म वो रह जाएगी वी इंटरेक्शन, मतलब जो टाइम डिपेंडेंट हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर में पार्ट था वो यहाँ पर आ गया है। यानी अब जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है किस डिराक इंटरेक्शन पिक्चर के लिए वो इस फॉर्म में आ जाएगी कि आयोटा एच कर डी साई टी मतलब स्टेट फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू द दिस टाइम एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट वेक्टर, और साथ ये हमें शो करता है टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट वेक्टर, जहाँ पर ये हमारे पास ऑपरेटर का पार्ट है और ये हमारे पास स्टेट वेक्टर का पार्ट है, और इन दिस वे हमें जो टाइम एवोल्यूशन है वो इसकी मिल जाती है स्टेट वेक्टर की। इसी तरीके से अगर हम ऑपरेटर के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना चाहें तो ए आई अगर कोई ऑपरेटर है इंटरेक्शन वाला तो उसको हम यू डैगर ए और यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ श्रोडिंगर पिक्चर, और ये जो टाइम डेरिवेटिव इसका लेंगे तो इसकी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन इसी तरीके से डी ए बाय डी टी लेकिन इंटरेक्शन पिक्चर के लिए बिल्कुल सेम जैसे हमने साई टी के लिए ली है विल बी इक्वल टू वन ओवर आयोटा एच कट, और ये हमारे पास बनेगी ए आई और एच नॉट का हैमिल्टोनियन। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इन केस ऑफ डिराक इंटरेक्शन पिक्चर ये हमारे पास जो ए ऑपरेटर है इसका है जो कम्यूटेटिव ब्रैकेट है वो एच नॉट के साथ है, और जब हम हेजनबर्ग की फॉर्म में देखते थे तो ये हमारे पास ए हेजनबर्ग ऑपरेटर हेजनबर्ग का जो था उसकी हमें ये कम्यूटेटिव ब्रैकेट मिली थी एच के साथ, इसलिए क्योंकि उसमें जो ऑपरेटर एच था दैट वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम पे डिपेंडिंग कर रहा था, यहाँ पर एच जो था मतलब नॉन डिपेंडेंट वाले के साथ ही है। और अब अगर आप ड्राफ इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जब आप ए आई ओवर डी टी लेते हैं तो ये आपके पास ए आई इंटू एच नॉट आता है, मतलब ऑपरेटर का वो वाला हिस्सा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि किस तरीके से आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑपरेटर की है जिसमें हमें पता चलता है कि ए जो है बहरहाल वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता टाइम पे बल्कि इम्प्लिसिटली डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर जो ये आपके पास इक्वेशन है ये आपको बता रही है कि श्रोडिंगर इक्वेशन किस तरीके से इवॉल्व हो गई है आपके पास इंटरेक्शन पिक्चर में, और टाइम के साथ साथ कैसे स्टेट वेक्टर जो है वो
इवॉल्व हो गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट थी ये तीनों पिक्चर्स को पढ़ना, इसलिए क्योंकि जो हमारा एक टॉपिक अब रह गया है जो कि है